नॉन-कैलकुलेटिव डेरिवेशन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को इस्तेमाल करते हैं। तो हिक्शन का अगर आप लोगों को डिमांड कर दिया हो तो उसमें यह था कि जब कंपनसेशन की बारी आती तो वो कहता था मैक्सिमम या ऑप्टिमाइज कुछ भी है, ऑप्टिमाइज करना है अपने इनकम को मगर रुकावट कहाँ आ रही थी, इनिशियल की यूटिलिटी। तो यानी जो यूटिलिटी का फंक्शन है वो आपकी अब रुकावट बन गया या सब्जेक्टिव बन गया, कंस्ट्रेंट बन गया, और जो ऑप्टिमाइजेशन की इक्वेशन थी वो बदल गई। तो हम क्या करें, लैग्रेंजियन की इक्वेशन को फॉर्म करें। पहले तो मैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म कर दूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्राइस ऑफ एक्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई वाई प्लस, अब लास्ट टाइम मैंने लैम्डा यूज़ किया था, इस बार थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए थीटा कर रही हूँ, बात वही होती है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ये, ठीक है। यू माइनस एक्स पॉइंट फाइव वाई पॉइंट फाइव, अब इसके मैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस ले लूँगी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू गुड एक्स, ठीक है, उसमें क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स वन यहाँ पे प्लस जीरो, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा आ जाएगा। यूटिलिटी जो कि कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर 0.5 एक्स पॉइंट फाइव माइनस वन वाई पॉइंट फाइव, ठीक है, इक्वेट टू ज़ीरो, उसको साथ ही सॉल्व कर लेंगे, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 0.5 थीटा एक्स माइनस 0.5 वाई पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब चाहे तो एक तरफ कर दें इसको, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.5 थीटा एक्स माइनस 0.5 वाई पॉइंट फाइव, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि प्राइस ऑफ x और x जो है वो कांस्टेंट है, ज़ीरो, प्राइस ऑफ y वेरिएबल है, y की जगह वन प्लस थीटा, यूटिलिटी तो कांस्टेंट है, यूटिलिटी अपनी जगह आ जाएगी, और जो ठीक है, फिर हम y के ऊपर पावर रूल लगा लेंगे, यानी कि 0.5 x के ऊपर टू मल्टीप्लाई हो रहा था, साथ ऐसे ही आ जाएगा, फिर y के ऊपर माइनस इक्वेट टू ज़ीरो, प्राइस ऑफ y माइनस 0.5 थीटा x 0.5 y की पावर माइनस 0.5 इक्वेट टू ज़ीरो, 0.5 यानी कि मैं इस पूरी जो माइनस की इस इक्वेशन की उसको मैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले गई, एक्स पॉइंट फाइव वाई माइनस पॉइंट फाइव, ये इक्वेशन टू, ठीक, इक्वेशन थ्री थीटा के ले लेंगे, प्राइस ऑफ एक्स और एक्स के अंदर तो थीटा था नहीं, प्राइस ऑफ आया और वाई के अंदर भी नहीं था, थीटा की जगह आया वन, उसके साथ अंदर वाली पूरी पूरी इक्वेशन ऐसी उतर के आ गई, नीचे ये हो गया ज़ीरो, यूटिलिटी माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन वन का इक्वेशन टू से रेशियो लेंगे, वो इक्वेशन फोर आएगी, अगर आप लोगों ने मेरी मार्शेलियन वाली देखी हो, ठीक है, तो टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन, सो इक्वेशन वन के आपके पास प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.5 थीटा x की पावर 0.5 और y की पावर देखने इसको वही, अब इसके साथ मैंने पूरी इक्वेशन ऐसे डिवाइड कर देंगी, प्राइस ऑफ y बाय y, यानी कि इक्वेशन टू जो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, जो हमने डेरिवेटिव लिया था सेकंड नंबर पे विद रिस्पेक्ट टू y 0.5 थीटा x की पावर 0.5 और y की पावर माइनस 0.5, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, ठीक है,
ये जो एक्स है यहाँ पे ये माइनस में इसको नीचे ले आएंगे, जो वाई माइनस पावर के साथ इसको ऊपर ले जाएंगे, इनकी पावर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे या पावर्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वाई की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो वाई ओवर एक्स, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, ये एक्स इक्वेशन फोर बन गई। अब सॉल्व इक्वेशन फोर फॉर एक्स, चलो पहले एक्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एक्स एंड देन पुट इन इक्वेशन थ्री जो कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन वाली इक्वेशन बन गई थी एट द एंड आके, ठीक है। तो एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, एक्स अगर मैं यहीं से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो, ठीक है, इनटू प्राइस ऑफ वाई वाई, ठीक है, एक्स के लिए हो जाएगा तो प्राइस ऑफ वाई वाई प्राइस ऑफ एक्स फोर ए। अब इक्वेशन थ्री, ठीक है, इसमें हमने एक्स की जगह रख दिया था, तो एक्स यूटिलिटी आ गया, एक्स की जगह यहाँ पे आएगा तो पी वाई वाई पी एक्स और वाई 0.5, ठीक है। अब वाई की पावर 0.5 ये अगर मैं बाहर निकाल लूँ, देखिए अगर मैं इन सब के साथ इनकी पावर्स लगा दूँ 0.5 वाली, तो ठीक है, और ये वाई 0.5 और वाई 0.5, यानी ये वाला वाई जिसकी 0.5 और एक ही वाले वाई जिसकी 0.5, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वाई हो जाएगा वाई प्राइस ऑफ वाई 0.5 प्राइस ऑफ एक्स 0.5, ठीक है। अब मैं इसको वाई के लिए सॉल्व कर सकती, सही है। अब मैं इसको अगर वाई के लिए सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, वाई ये u है, ये पहले प्राइस ऑफ x ऊपर जाएगा फिर प्राइस ऑफ y नीचे आएगा, ठीक है। तो u प्राइस ऑफ x की पावर 0.5 प्राइस ऑफ y की पावर 0.5, ये आपके पास हिक्शियन का डिमांड इक्वेशन आ गई फॉर फॉर गुड y, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट, ठीक है, मगर ये सिर्फ इस सूरत में कि पावर इनकी 0.5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया हिक्शियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड वाई, ठीक है। अब गुड एक्स के लिए भी निकालना है, तो जब यहाँ पे हमने x के लिए गुड फोर इक्वेशन फोर को गुड x के लिए सॉल्व किया और फिर हमने उसको इक्वेशन थ्री में रखा तो y की गुड है, तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन फोर को y के लिए सॉल्व करते हैं और इक्वेशन थ्री में रख देते हैं, ठीक है। सो सॉल्व इक्वेशन फोर फॉर y एंड पुट इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन फोर हमारे पास थी प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई वाई और एक्स, सही। इसको एक्स के लिए सॉल्व वाई के लिए सॉल्व करना है, एक्स को उधर ले लूँगी, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो प्राइस ऑफ एक्स एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, ये बन गई फोर बी। इसको मैं इक्वेशन थ्री के अंदर रख रही हूँ, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स पॉइंट फाइव वाई पॉइंट फाइव, ठीक है। तो x.5 तो ऐसे ही रहा, प्राइस ऑफ x x प्राइस ऑफ y, ठीक है। अब वही मैंने पावर्स जो हैं जिसकी जिन दिन के साथ है मैंने उसके साथ लगा दी, ठीक। x की पावर 0.5, ये जो x यहाँ था इसकी पावर 0.5 एक ब्रैकेट में कर दिया, प्राइस ऑफ x की पावर 0.5
प्राइस ऑफ वाई की पावर 0.5। बी एस एम में पावर ऐड हो जाएगी एक्स, यूटिलिटी प्राइस ऑफ एक्स 0.5, प्राइस ऑफ वाई 0.5। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, प्राइस ऑफ वाई ऊपर चली जाएगी, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे था ऊपर चला गया, जो ऊपर था नीचे, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, बेसिक मैथ्स का गुलन, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स की पावर 0.5, तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू यू प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिक्शियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स। अब दोनों गुड की गिवन है आपके पास, ठीक है, वाई की भी ऐसी ही है ना, वाई एच भी ऐसा ही, यूटिलिटी प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। अब क्या करते हैं, इसको पुट एक्स एच एंड वाई एच इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारे पास, m इज इक्वल्स टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, ठीक है। अब इसके अंदर x की जगह x का डिमांड फंक्शन और y की जगह y का डिमांड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। x का था हमारे पास u अंडर रूट प्राइस ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ x, ठीक है। अब अगर इसको पावर्स लिखने बेहतर है, बाद में पावर्स करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख रही हूँ u प्राइस ऑफ y पावर 0.5 प्राइस ऑफ x पावर 0.5, ठीक है, प्लस प्राइस ऑफ y यूटिलिटी प्राइस ऑफ x है ना, पूरा सही लिखना, ठीक है, प्राइस ऑफ y प्राइस ऑफ x की पावर 0.5 और प्राइस ऑफ y की पावर 0.5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर यूटिलिटी कांस्टेंट है, पहले इसको निकाल लेते हैं ताकि मजीद घिचमिच ना हो यहाँ पे, ठीक है। ये एक बड़ा ब्रैकेट बना के मैंने इसको बाकी सारे मैथमेटिकल काम से अलग कर दी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ऑफ x है जिसकी पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वाला अगर न्यूमिरेटर में जाके इससे माइनस करेंगे इसकी पावर को, तो क्या होगा, इसको सिंपल ऐसे देखो कि प्राइस ऑफ एक्स था, ठीक है, ये प्राइस ऑफ वाई 0.5 जो यहाँ पे है, और ये प्राइस ऑफ एक्स जो ये नीचे था 0.5 की पावर के साथ, अगर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में लेके गई तो इसकी पावर का साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये काम यहाँ करेंगे, प्राइस ऑफ वाई ये आ गया, प्राइस ऑफ एक्स 0.5 और प्राइस ऑफ वाई जो वो माइनस 0.5, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स 1, वो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, प्राइस ऑफ वाई 0.5 प्लस प्राइस ऑफ वाई 1 माइनस 0.5 प्राइस ऑफ एक्स 0.5, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा प्राइस ऑफ एक्स की पावर 0.5 प्राइस ऑफ वाई की पावर 0.5 प्लस यहाँ पे भी होगा प्राइस ऑफ वाई की पावर 0.5 प्राइस ऑफ एक्स की पावर 0.5, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सेम चीज़ें हैं, यानी कि बेस सेम है, एडिशन का साइन है तो 2 हो जाएगा, तो उसके साथ पूरा 2 खोल के जब मैं यूटिलिटी खोल दूँगी तो ये 2 प्राइस ऑफ एक्स 0.5 प्राइस ऑफ वाई 0.5 और यूटिलिटी जो कि कांस्टेंट चल रही थी वो आ जाएगी, और ये आ गया m, ठीक है। अगर मैं इसको यूटिलिटी के लिए सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, m 2 प्राइस ऑफ एक्स की पावर 0.5 प्राइस ऑफ वाई की पावर 0.5, तो ये बिल्कुल
इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मार्शेलियन से मिलता हुआ नहीं है? मेरे मार्शेलियन वाली नहीं देखी हुई तो वो भी लगी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जब आप आखिर में आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि हिक्शियन का इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो मार्शेलियन के इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जैसा है, कीपिंग यूटिलिटी फंक्शन सेम, यानी कि एक्स की पावर 0.5 और वाई की पावर 0.5।